पता ही तुहाडा सारिआं नाल साडे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ते अज दी अपडेट है जी। केंद्र सरकार वल्लों नवीं सिक्ख्या नीति नूं हरी झंडी दे दित्ती है। 34 साल दे बाद इह जिहड़ा बदलाव कीता गया तां हुण नवीं सिक्ख्या नीति दे विच की कुछ बदलाव होया, किहड़ी गल्लां बदल गईआं, पहलां किवें सी तां हुण किवें होएगी, सो इह जानकारी तुहाडे नाल शेयर करांगे। सो चैनल नूं सबसक्राइब ते बैल आइकॉन आल ते प्रैस जरूर कर लिओ तां तुहानूं समें सिर एजुकेशन नाल संबंधित जो भी नवीं वैकेंसीआं आउट हुंदीआं ने इहदे नाल संबंधित अते पंजाब पुलिस दीआं क्लासां दी अपडेट इनफॉर्मेशन है जी समय सिर मिलती रहे। जिस भी टॉपिक तुसीं वीडियो रीड करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक अवेलेबल ने। जिस टॉपिक ते तुसीं पढ़ना चाहते हो वह लिंक ते क्लिक करके रीड कर सकते हो। तो शेयर करते हैं जी, ये एजुकेशन पॉलिसी जो नवी है इन हरी झंडी मिली है, किहड़ा किहड़ा नवीं गल्लां ऐड हुई ने, किहड़ा किहड़ा बदलाव होया, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन है जिहड़े पूछे जाणगे करंट अफेयर जीके दे क्वेश्चन दे तौर ते तुसीं लै सकदे हो। तो शेयर करते हैं जी पूरी जानकारी। सो ये पहली गल है सिर्फ 12वीं क्लास में बोर्ड होगा, एम फिल बंद होगा और कॉलेज की डिग्री जी 4 साल की होगी। 10वीं का बोर्ड खत्म और एम फिल बंद होगी। इस तो अलावा हुण 5वीं तक विद्यार्थियों मां भाषा जिन्हों पर मदर टंग कह दें स्थानक भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा, बाकी विषय चाहे वह अंग्रेजी ही क्यों ना हो वो एक सबजैक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अगली गल है हुण सिर्फ 12वीं विच बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जदों कि इस तो पहला 10वीं बोर्ड की परीक्षा देनी लाजमी होंदी सी जो हुण नहीं होगी। 9वीं तो 12वीं क्लास तक समेस्टर विच परीक्षा होगी। स्कूली सिक्ख्या नूं 5+3+3+4 फार्मूले तहत पढ़ाया जाएगा। अगली गल है उत्थे है जो कॉलेज की डिग्री 3 अते 4 साल की होगी, यानी कि ग्रैजुएशन के पहले साल सर्टिफिकेट, दूजे साल तो डिप्लोमा, तो तीसरे साल विच डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन्होंने विद्यार्थियों लिए है जिन्होंने जो हायर एजुकेशन नहीं लेना, उत्थे हायर एजुकेशन करने वाले विद्यार्थियों 4 साल की डिग्री है जी वह करनी होगी। सो 4 साल की डिग्री करने वाले विद्यार्थी 1 साल विच एम ए कर सकनगे, यानी कि एम ए जी 4 साल की डिग्री के ऐड करती। हुण विद्यार्थियों एम फिल नहीं करनी होगी, सगों एम ए के विद्यार्थी सीधे पी एच डी कर सकनगे। इस तो अलावा विद्यार्थियों जिहड़ा अदर कोर्स भी कर सकनगे। हायर एजुकेशन 2035 तक ग्रास इनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। उत्थे नवीं सिक्ख्या नीति के तहत कोई विद्यार्थी एक कोर्स के जेकर कोई दूजा कोर्स करना चाहे तो वह पहले कोर्स तो सीमित समय लिए ब्रेक लेके दूजा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन भी कई सुधार किए गए हैं, सुधारों में ग्रेडड अकैडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव अते फाइनेंशियल आटोनामी आदि शामिल ने। इस तो अलावा खेतरी भाषावां दे विच ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे, एक नैशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोर्स NETF जिहड़ा वह शुरू किया जाएगा। सो देश में 45,000 कॉलेज ने सरकारी निजी डीड सारे संस्थानों लिए जिहड़े निजम ने जिहड़े वह समान होणगे। सो एजुकेशन पॉलिसी है सारा कुछ ये बदलाव कर दिता गया। तुहाडे इस प्रति की विचार ने वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो, बाकी अगे जरूर शेयर कर दौ। धन्यवाद जी।